चल रहा था, वो लगभग 4.5 महीना हो गया था। तो डॉक्टर बोले थे कि अब बिना सपोर्ट चलो, और मतलब बराबर जमीन पे, तो मैं बराबर ही जमीन पे चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरे पैर में दर्द हुआ, और दर्द हुआ तो हम चले एक दो कदम चले ना, उसके बाद प्लेट मेरा मतलब आवाज आया अंदर से, अजीब जैसे पैर नहीं बसता है वैसे पट से आवाज आया। उसके बाद से पैर रखे नीचे जमीन में, फिर रखे तो पैर इधर उधर डिसमिस होने लगा, तो दर्द भी पेन भी स्टार्ट हो गया, पैर फूलने लगा। हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, पहले से अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने भाई का वॉइस सुना है, इसका नाम है MD आशिक, और दोस्तों इसका इम्प्लांट फेल हो गया था, तकरीबन 6 या 5.5 महीने में इसका जो है ना प्लेट टूट गया था। तो टूटने का कारण यह था, इसे 4.5 महीने में डॉक्टर विथआउट सपोर्ट और फुल वेट दे के चलने को बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका हड्डी नहीं जुड़ा हुआ है तो आप पूरा वजन दे के चलेंगे तो जाहिर बात है ना टूटेगा प्लेट, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर एंड तक देखना, क्या पता ये वीडियो किसी भाई का काम आ जाए, क्योंकि अक्सर हम ये गलतियाँ कर देते हैं कि हम एक्सरे में देख भी सकते हैं कि भाई हमारे हड्डी में गैप है, और फिर भी हम डॉक्टर तो बोल देते हैं भाई आप विथआउट सपोर्ट चलो, लेकिन ख़ुद भी थोड़ा अंदाज़ा लगाएं, सोचें भाई मेरा हड्डी भी नहीं जुड़ा है, मैं फुल वेट दे के चल सकता हूँ नहीं चल सकता, ये आप में भी थोड़ा बहुत सोचना है। डॉक्टर को क्या परवाह, अभी 6 महीना भाई का प्लेट टूट गया तो फिर से सर्जरी कर दिया, उसको कुछ परवाह था नहीं, उसका तो पैसे डबल हो गया, उसका तो बिजनेस बढ़ गया मेरे भाई, उसे तो एक मतलब क्या बताऊँ, एक मिली का भी उसे मतलब नहीं हो गया, कोई टेंशन नहीं हुआ। आप परेशान रहते हैं, आपने बेड रेस्ट करना है। तो ऐसे सब दोस्तों को मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे गलतियाँ आप नहीं करें। MD आशिक भाई तो का तो 1% भी गलती नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है ना भाई आप विदाउट ऑफ सपोर्ट चले, 4.5 महीने हो गए। तो चलिए आगे टॉपिक में बात करते हैं। आप ये एक्सरे देखे, इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो दोस्तों MD आशिक का एक्सीडेंट हो गया था 15 दिसंबर 2021 को, ठीक है? या इसका एक्सरे देखें, काफ़ी गहरा चोट था यार, देखिए हड्डी तकरीबन काफ़ी मतलब बिखर के ऊपर नीचे आ गए हैं। और ये इसका आप सर्जरी का एक्सरे देखें, 22 दिसंबर 2021 की है जब इसका सर्जरी हो गया था, तो उस टाइम कैसे प्लेट लगा दिया गया यहाँ पे फीमर के पास, ठीक है भाई? तो इसका फ्रैक्चर भी फीमर का ही है, और फीमर में ही इसको प्लेट लगा दिया गया है। और ये आप 4 मई 2022 का एक्सरे देखें, यहाँ पर हड्डी मतलब अच्छा खासा जुड़ रहा है, यहाँ पर हड्डी जो प्रोसेस है ना उसका कैलेज का प्रोसेस है वो काफ़ी दिख रहा है कि भाई हड्डी जुड़ रहा है, ठीक बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मई में जो एक्सरे आप देख रहे हैं भाई, इसमें हड्डी अच्छा खासा जुड़ रहा है, एक साइड पे तो अच्छा खासा मतलब इसका बोन हीलिंग भी हो चुका था। और दोस्तों ये आप देखें 12 जून 2022 का इसका एक्सरे है, लास्ट एक्सरे जब इसने कराया था, तो यहाँ पे इसकी प्लेट जो है ना वो टूट गई है, इसको आशिक भाई का इम्प्लांट था वो फेल हो गया, और साथ में इसका हड्डी था वो भी टूट गया, ठीक है दोस्तों? साथ में जो हड्डी था वो भी ज़ाहिर टूट गया, प्लेट टूटेगा तो हड्डी भी टूट जाएगा। आप देखें काफ़ी गहरा चोट लगा ऐसे, और फिर रिसर्जरी करने के लिए 13 जून 2022 को रिसर्जरी करवाते हैं, और ये आप इसका एक्सरे देखें, लेकिन यहाँ पर भी इसको प्लेट की जगह इस बार राड लगा देगा, क्योंकि अच्छा है राड से, प्लेट से राड बहुत अच्छा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन डॉक्टर कुछ कुछ ना अपने फ़ायदे के लिए भी कर लेते भाई प्लेट लगा देते। प्लेट भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता प्लेट गलत है, प्लेट भी सही है, लेकिन प्लेट से राड मजबूत है। अक्सर मैंने केस देखे जिनमें प्लेट कम और राड कम, प्लेट ज़्यादा टूट जाता है। बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे, मेरा नहीं किसी और का, या फिर आप गूगल में सर्च करें आपको बहुत सी तस्वीरें कुछ मिलेंगे जिसमें अक्सर प्लेट जो ज़्यादा टूट जाते हैं। और ये आप इसका लास्ट एक्सरे देखें, 7 जनवरी 2023 की है। आप देखें यहाँ पे अभी हड्डी अच्छा खासा जुड़ रहा है, और अभी ये विथआउट ऑफ सपोर्ट चल रहे हैं, अभी तो अच्छी बात है हड्डी पूरा जुड़ गया, तो अभी आशिक भाई को खुद भी पता चल गया मेरा हड्डी ठीक है, तो अभी ये विथआउट ऑफ स्टिक चल रहे हैं, अभी कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा है, जब पहले चल रहे थे तो उसे काफ़ी पेन हो रहा था। तो दोस्तों अभी सुनते हैं आशिक भाई के अपने के बारे में, कि वो खुद अपने बारे में क्या कह रहे हैं, फिर आगे मजीद बात कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम MD आशिक है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 15 दिसंबर 2021 को, बाइक एक्सीडेंट था मेरा, जिसमें फीमर साफ्ट फ्रैक्चर हुआ था। तो मेरा सर्जरी हुआ था गोरखपुर में रियाज हॉस्पिटल डॉक्टर तबीज सर के पास, जिन्होंने मेरा सर्जरी तो किया लेकिन इम्प्लांट गलत लगा दिया, इसके वजह से 6 महीना बाद इम्प्लांट फेल हो गया मेरा। प्लेट लगा दिए थे वहाँ पे, रॉट लगाना चाहिए था उनको, लेकिन पता नहीं क्यों प्लेट लगा दिए। तो 6 महीना बाद मेरा जो इम्प्लांट लगा था वो वेट पड़ने के कारण, ज़्यादा वेट नहीं सह पाया उसके कारण टूट गया। उसके साथ टूटा तो मेरे जितना बोन जुड़ा हुआ था वो भी फ्रैक्चर हो गया।
मेरा दूसरा फ्रैक्चर इम्प्लांट फेल हुआ था 12 जून को, और मेरा फिर 13 जून को यहाँ सिवान सिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर सोहेल अब्बास सर, उनके यहाँ मेरा सर्जरी हुआ। अभी सर्जरी को मेरा ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुका है और मैं बिना सपोर्ट चल रहा हूँ, और फील भी नहीं हो रहा है कि मेरा मतलब उतना मतलब तकलीफ है पैर में। अभी बहुत अच्छा हो गया है। तो दोस्तों आपने सुना आशिक भाई का अपने बारे में, खुद अपने बारे में क्या कह रहा था भाई। मैं आशिक भाई और दूसरों को, आशिक भाई तो खैर उसका रिकवरी हो गया अच्छा खासा, लेकिन जो नए नए फ्रैक्चर वाले दोस्त हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे भाई हो, बहन हो, जो भी है, चाहे बुज़ुर्ग हो, जवान, नौजवान, जो भी हैं आप, प्लीज़ आप अपना एक्सरे खुद भी चेक करें, आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि भाई मेरा एक्सरे कैसा है, ठीक है, कि अगर आप गैप है तो प्लीज़ आप थोड़ा ख्याल करें मेरे भाई, आप अपने बारे में सोचें। डॉक्टर को आपका 1% भी परवाह नहीं है, उसको क्या है, वो आपका 6 बार भी सर्जरी करने को तैयार है, उसका तो कारोबार चल रहा है, उसका बिजनेस, उसके पैसे वैसे मिल रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ में कौन है, मुसीबत में कौन है, टेंशन में कौन है, डॉक्टर हैं आप हैं, तो जाहिर बात है आप टेंशन में हैं, उसको तो एक कुछ भी ज़रा सा भी उसे परवाह नहीं है, वो आपके 10 बार सर्जरी करने को तैयार है, वो तो चाहता है एक भाई मेरे पास पेशेंट आ जाए, मैं उसका बस चीर फाड़ करके उसे इम्प्लांट लगा दूँ, बस राड हो, प्लेट हो, एलेजर हो, चाहे फिक्स्टर हो, जो भी हो, उसे तो लगाना ही है, उसका बिजनेस चल रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जितने मेरे फ्रैक्चर वाले नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना एक्सरे खुद देखें कि आप देखो भाई मेरा हड्डी जोड़ रहा है, तो मैं विदाउट सपोर्ट चल रहा हूँ। अगर आपको पेन हो रहा है, दो तरह के पेन होते हैं हमारे यहाँ, दो तरह के मतलब पेन होते हैं, एक वो होता है कि आप जो है ना बर्दाश्त से बाहर है, भाई मैं ये दर्द सह नहीं सकता, और दूसरा एक नॉर्मल है, आपको पता है कभी कभी होता रहता है, तो उससे आप टेंशन ही ले लें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।